यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। रात्रि ठहराव जनता और सरकार के बीच संवाद को बेहतर माध्यम है। इसके जरिए वो लोग भी सरकार तक अपनी बात पहुंचा पाते हैं जो मंत्री तक कभी नहीं पहुंच पाते। कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने झज्जर के आजाद नगर में ये बात कही। ओम प्रकाश धनखड़ ने आजाद नगर में रात्रि ठहराव किया। मंत्री ने सबसे पहले अधिकारियों के साथ गाँव वालों की चौपाल लगाकर उनकी समस्याओं का समाधान किया। मंत्री ने रात्रि चौपाल के साथ गाँव की गलियों, स्कूल और सामुदायिक केंद्र का भी निरीक्षण किया और फिर पैदल ही गाँव की गलियों में निकल पड़े और घर घर जाकर लोगों की समस्याएं जानी और उनका समाधान भी किया। इसी दौरान गांव के निर्मल दास ने घर में गैस कनेक्शन नहीं होने की बात मंत्री को बताई, जिसके बाद मंत्री ने रात को ही निर्मल दास के लिए उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में गैस कनेक्शन करवा दिया। गांव वाले भी मंत्री और अधिकारियों को अपने बीच पाकर बेहद खुश नजर आए और खुलकर मंत्री के सामने बिना डरे अपनी समस्याएं रखी। कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने कहा कि अक्सर चंडीगढ़ के एसी कमरों में बैठकर गांव और लोगों के विकास की योजनाएं बनती हैं जिनमें कुछ खामियां भी रह जाती हैं, लेकिन इस तरह लोगों के बीच आकर उनसे बात करके जो योजना तैयार होती है उसका सीधा असर लोगों पर होता है। जो हमने नीचे तक करने की कोशिश की है, फिर जागरूकता है लोगों में, जो हमने नहीं की है, यहाँ नहीं हुई है, लोग मांग रहे हैं कि हमारे यहाँ भी व्यायामशाला दे दो, अम्बेडकर भवन बना दो, हमारे झोड़ को थोड़ा और अच्छा हो जाए, इस पर काम करो, पानी का एक चैनल तो है गांव में, दूसरा चैनल एक नाड़ा और बन जाए उसके लिए बात करो, थोड़े हिस्से में कोई पानी की सप्लाई की दिक्कत है, कर्मचारी का रवैया ठीक नहीं है तो उसकी भी लोगों ने शिकायत की है कि वो कहता है मेरी बदली करा दो, मैं तो ऐसा ही छोड़ूंगा। ये सब बातें जो सामने आई हैं निश्चित रूप से ये चीज़ों को और बेहतर करने में, फिर हमारी उपस्थिति से हम चाहते हैं कि लोगों में एक मोटिवेशन भी आए,